वोट तो इसे सरकार ने देने से बीजेपी थी। हाँ बीजेपी थी। हाँ। छोट सारे भी वाने पड़े भाई। छोट ताऊ जी कौन सी पार्टी के साथ? बीजेपी। बीजेपी। हाँ। ताऊ जी कौन सी के साथ? बीजेपी भाई। बीजेपी सारे बीजेपी वाले बैठे हैं भाई। सारे बीजेपी वाले हैं दूर से। बीजेपी तो नेरा को सा बोल गया नहीं सन रोटी को नहीं करा। ताऊ कि मैं मने अलग सा ला गया अलग सी पार्टी विचारधारा सरकार की नीति आप गलत बताओ और फिर भी इनको वोट सरकार की गिरा है। जो कई नेता नहीं आते मतलब मैं अकेला घूम जाऊं पार्टी में कई पैड के ले जाऊं ताऊन वर्गा है उड़ते भी कई पैड ले जाऊं। मैं तो दूंगा कांग्रेस ने। क्या बात है ताऊ दबनाना नहीं है मतलब दबदा कितने कर शुरू होगी। नमस्कार मैं अंकित और हरियाणवी लाइव देख रहे हैं आप है। फिलहाल जो है रामायण गांव में मौजूद हूँ और कुछ काके ताऊ जो हो रहे है ताश खेलन लाग रहे है ताश की बाजी चलन लाग रही है लेकिन एक बाजी जो इलेक्शन की आओगी उसके बाद हम बात कराए। ताऊ जी राम राम। राम राम भाई। ताऊ जी बात करूं इलेक्शन आ लिए है कौन सी पार्टी के साथ? इलेक्शन तो भाई साथ तोकड़ा फिर भी वोट तो इसे सरकार ने देने से बीजेपी थी। हाँ बीजेपी थी। हाँ। छोट सारे भी वाने पड़े भाई। छोट बहुत कुआरे से है। लेकिन आप जिस सरकार थी जो है वोट देने की को उस सरकार में खुद भी जो मंत्री है वह खुद एक कुआरे है भाई क्यों कर रहा भाई देश का तो भला कर दिया बाहर ले आओ कड़िया निकलिया था जुगर दूसरा रिश्ता होगा तो कुआरे से ठीक है बेटा सरकार बढ़िया है और बढ़िया सिस्टम है और आने वाले टाइम यही सरकार आएगी। अंकल जी बात करूं कुछ दो चार इस सरकार की खूब भी जो आपके पसंद आई हो जिस आप वोट गिरोगे। ठीक है बच्चे आपकी बात सर्विस लगे हैं सारी बात बढ़िया हुई है जो बिना खर्ची पर्ची वाली बात है वह साची है। हाँ, मतलब बीजेपी देता है और खेती करो आप। हाँ। जुगर मंडिया में जाना पड़े है तो फसल बिक जे है के? ना फसल ठीक बिक है भाव ठीक मिले है और ऐसी कोई बात नहीं है। किस साइड आ जाए भाई जी? भाई जी राम राम। राम राम। कौन सी पार्टी के साथ भाई? आप तो इसी पार्टी के साथ है। रणजीत चुटाला जो है कैंडिडेट आए है उनकी समर्थन है भाई वाड़ा समर्थन करेंगे और तो क्या समर्थन है? रणजीत चुटाला ने आपके कई जगह दौरे करे लेकिन सात पास में तक नहीं आया। आया कोई नहीं भाई उसने बुलाया कोई नहीं बुलाओ तभी आओगा ना। तो आप उसके सपोर्टर हो उस पार्टी के तो आपने बुलाना चाहिए। नहीं सपोर्टर तो पार्टी में इलेक्शन नहीं आपकी बार लड़ा है पर तो वो वहां से था साइड से। हाँ आ गया समर्थन करेंगे प्रोग्राम भी करेंगे। किसान को एक भाई बीजेपी के खिलाफ है। किसान भी खिलाफ है तो खिलाड़ी भी खिलाफ है। हाँ। है लेकिन वो अलग अलग है सोच अपने इंसान की। हाँ। आप साथ हो? हाँ बिल्कुल साथ है। ताऊ जी किसके साथ हो भाई? हमें तो बीजेपी के साथ। तो नौकरी लागी घर में कोई? नौकरी हमें खुद करके आएगी छोरे के आसार से मिल जाएगी तो नौकरी दो डिप्लोमे अग्निवीर करी जो उसकी सही मान में हो चार साल साढ़े चार साल की गलत है। अग्निवीर तो भाई दुष्यंत भी कराया फिर चल में घर आ गया। अग्निवीर सभा भी ऐसा उप मुख्यमंत्री पहली बार है जो साढ़े चार साल में घर आ गया। अग्निवीर योजना में कितना आ गया भाई? सरकार की नीति आप गलत बताओ और फिर भी इनको वोट सरकार की गिर रहे हैं। कई नीति ठीक है। कौन सी ठीक है? जैसे मान ले गरीब से गरीब घर का बच्चा भी नौकरी लग गया बगैर पैसे के लग गया नहीं तो भाई साहब दस दस लाख रुपए देने तक तो भी नौकरी को मिला कर दी बिना खर्ची बिना पर्ची वाली बात है। और कुछ बताना समझे हो? किसान ना के जो इतने लंबे आंदोलन चले हुए ठीक थे वो आंदोलन किसान के साथ ठीक करे थे भाई। एमएसपी जायज थी वो किसान अपने आप बता देंगे जब किसानों से मिलोगे ना। हमारी राय हमने बताई दी। ताऊ जी कौन सी पार्टी के साथ? बीजेपी। बीजेपी। ताऊ जी कौन सी के साथ? बीजेपी भाई। बीजेपी सारे बीजेपी वाले बैठे हैं। सारे बीजेपी वाले हैं दूर से। बीजेपी तो नेरा को सा बोल गया नहीं सन रोटी को नहीं करा। एक के लाइन चलने पट्टे हैं तो के वजह मान लो उसकी पासियत है कुछ उसी वजह से करे और दबाव में थोड़े करे हैं। चलो भाई घर आए फिटर लाइन दे बीजेपी का दूसरा नाम ले दे। भाई जी किसके साथ? बीजेपी के साथ। बीजेपी के साथ मतलब की मन तो बीजेपी के साथ हो गए गणे बीजेपी का नहीं बीजेपी के वोट दिए है पहले भी अब की बार बीजेपी के देंगे। हाँ कुछ आप जो युवा हो नौकरी हो गया खेल हो गया बीजेपी के राज में कुछ देखो थी, पहले तो नौकरी की आस कौन थी? बीजेपी सरकार आ गई थोड़ी बहुत आस होगी नौकरी थोड़ी बहुत छोटी मोटी मिल जाएगी आस तो होगी। पहले आस तो कौन थी? पैसे भी नहीं थे दे नहीं सकते नौकरी के लिए। अब बिना पैसे नौकरी लग रहे हैं तो आस तो होगी थोड़ी बहुत नौकरी के बाद नौकरी मिल ही जाएगी।
10 साल हो गए इब तक नहीं मेरी ताकत गुर मिल जाएगी मिल जाएगी भाई साहब आज तो है एक हां है आज तो है नौकरी की कांग्रेस सरकार में वो भी कोनी है पहले तो वो है पीछे थे कोनी पीछे देखे नौकरी लगा कर दे आज तक थी कोनी ताऊ कि मैं मने अलग साल आ गया अलग सी पार्टी विचारधारा पेप कौन जी कांग्रेस में लागे थे हम भी ताऊ जी आप कांग्रेस में लागे थे हाँ कांग्रेस के टाइम पर भी देख लागे थे एक पीछे कौन दिया अरुणा सुपारी थी भाई तो बिना खर्चे बिना पर्ची सरकार में बिल्कुल लागे थे मतलब कि कांग्रेस के बारे में जो विचारधारा है भाई ये बिना रिश्वत लेवा वो लेवा गलत है जमा कौन से डिपार्टमेंट में थे मैं रेवेन्यू में था नायब तहसीलदार रिटायर हुआ हूँ तो मतलब इंदिरा गांधी जी ने स्कीम चलाई थी आप मिले दो उसमें लग गया था सबने नौकरी मिल जाए तो पढ़े लिखे कम से मिले कर दी अब जब घर का एक घर में छह तो छह नौकरी तो आओगी करता है पटन का जी करता नहीं और नौकरी सबने हाँ नौकरी सबने चाहिए आप मतलब बीजेपी तक घुस करें फिर बस ये तो टाइम की बात हो है मैं तो दूंगा कांग्रेस ने क्या बात है ताऊ दबना नहीं है मतलब दबदा कितने आप कांग्रेस ने जाने भाई कांग्रेस में हाँ ताऊ जी ईव जो है आपने तो बता दिया कांग्रेस में है मैंने एक नो और बता दो पूरे गांव बीजेपी का मैं गलत जगह ना जो सारा बीजेपी का गांव ज्यादातर है कैंडिडेट का तो मेरे बढ़िया भाई कैंडिडेट के तो मेरे पट रहे रणजीत चौटाला लिया तिन्नू तो चुटा दिया गए और उसमें तो देखो कौन आओगा है चंद्र मोना आएगा तो गुना मेरे ख्याल तो मुश्किल आ रहा मैं रणजीत आ जाएगा मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में लेकिन आप कांग्रेस के साथ हो रणजीत टंगर के टक्कर के आप कांग्रेस के साथ हो हाँ मैं तो कांग्रेस रह जाऊंगा हाथ पे पर्ची है चलो भाई जो है आपने देखे इस गांव के और भी जो है इस वीडियो ने देखेंगे वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता सको आप किसके साथ मैं तो जी बिहार का हूँ मैं तो उर के बताओ जी पर्ची पड़ेगी अपना कौन पड़ा कौन पड़े चलो भाई नोटा में काउंट कर सको इन अरे जो है ताऊ जी जो है एक मिले है अलग ताऊ का नहीं करिए फोकस एक बार ताऊ ने कहे चाहे मैं कितने ज्यादा और कितने मैं नहीं दबदा मैं दूंगा कांग्रेस ने और सारे जो है बीजेपी के सपोर्टर है बीजेपी की वोट देंगे ताऊ ने बड़े पोल खोले हैं सच्ची कुछ बता दे ये हाँ तसली ना कर ये कदे नो यो एक का करे सर बीजेपी के सारे बोल रहे थे अच्छा ताऊ रे तो वो काम हो गया एक ने बीजेपी कह दिया तो भेंट चालू हाँ वही बात है वह भेंट चालू हो रही है ताऊ भी बता दे कुछ जाने के लिए ताऊ ने कहा ताऊ भी बीजेपी का है कौन है कौन से ताऊ बीजेपी की करेगा कमाल की बात यार तो दिखा दूंगा मैं तो कांग्रेस के दूंगा 100% और बोल है और बोल है और मेरे कर लो और भी है मैं क्यों ओपन करूं यो अंडरग्राउंड बीजेपी में है ले लेगा तो तब जी दल बदल हां हां अच्छा कई बदलेंगे ताऊ जी अगली बात है हां वो जो कई नेता नहीं आते मतलब मैं अकेला कौन जाऊं पार्टी में कई पैड के ले जाऊं ताऊ उन वर्गा है नुगो उड़ते भी कई पैड ले जाऊं घंटा के पास आइए उतना बीजेपी में पाओगा ना ना कदे भी नहीं कंफर्म एक पार्टी में नहीं बिल्कुल कंफर्म एक पार्टी में कांग्रेस हाँ कांग्रेस चल रात में पूछ लिया अच्छे दिन कैसे टाइम पूछ लिए कर ले आए थे आए थे उन्होंने मरे जाए बात कही कांग्रेस की हाँ ये भी कांग्रेस हाँ ये भी कांग्रेस इलेक्शन पे जिंदा को नहीं अर्जियों का तो भाजपा गिरवाए थे तारों को धक्के से गिरवाए थे भाजपा की कौन है मैं इनके कटूंगा वोट जो मेरे को काटा ये अपना मैं के वोट कटूं भाई तू है चलो भाई ताऊ नु को है हल्का मना लियो मैंने कई पार्टी आगे लोग जो रहे उस तो पैड के कांग्रेस में ले जाऊंगा आपका वोट डलवाऊंगा खैर वो रिजल्ट बताओगा रिजल्ट के बाद आवांगे ताऊ को भी पूछेंगे और अभी पूछेंगे कौन सा कौन सी तरफ गुरड़िया देखो ये तो टेम बताओगा वो बाकी ताऊ का जोश बताने लग रहा है ताऊ कई पर्ची पाड़ेगा मेरा दिल मान तो आदि तो लगी हुई है कोई भी जीत के लेकिन अपना वोट का अधिकार मेरा खुद का है मैं किसी को दूं मैं तो स्पष्ट बता दिया मैं तो कांग्रेस को दूंगा आज तक कोई कैंडिडेट आऊ या भी कहा कर रहा है मतलब आज की वोट है मतलब नहीं हां चलो भाई ताऊ का जो आत्मविश्वास देख के तो लागण लग रहा है ताऊ पर्ची कई पाड़ेगा और जो भी जिक्र उरे तो ज्यादा उसकी होगी नहीं एक रात के बरा दबाव में आवर नहीं पड़ दियो कमेंट बॉक्स में बता दियो खुल के किसके साथ हो और इस गांव के और लोग देखने लग रहे हैं वो भी वीडियो में बता दियो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब